कंगना रनौत अपने बयानों के लिए जानी जाती हैं। कभी वो किसी पर तंज कस देती हैं, तो कभी किसी पर कमेंट। लेकिन इस बार कंगना ने कर दी है तारीफ, और वो भी एक फीमेल स्टार की। जी हाँ, कंगना ने इस बार तब्बू की तारीफ कर दी है उनकी फिल्म दृश्यम 2 के रिलीज के बाद। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कंगना ने क्या कहा तब्बू के बारे में। इस साल केवल दो हिंदी फिल्में ही चली हैं, पहली भूल भुलैया 2 और दूसरी दृश्यम 2, और इन दोनों ही फिल्मों में सुपरस्टार तब्बू जी ने अहम भूमिका निभाई है। 50 की उम्र में भी तब्बू ने फिल्म इंडस्ट्री को बचाया है। उनकी प्रतिभा और निरंतरता पर कभी सवाल नहीं उठाया गया, लेकिन उनका बेहतरीन दिखना और 50 की उम्र में स्टारडम पर पहुंचना तारीफ की बात है। मुझे लगता है कि महिलाएं अपने काम के प्रति अटूट समर्पण के लिए बहुत ज्यादा शेयर की पात्र हैं, और ये एक प्रेरणा भी है। बता दें कि दृश्यम 2 ने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर 15.38 करोड़ की कमाई की, वहीं दूसरे ही दिन 21.59 करोड़ की कमाई की, और तीसरे दिन ये आंकड़ा 27.17 करोड़ पर पहुंच गया। अपने पहले वीकेंड यानी रिलीज के 3 दिन के अंदर 64 करोड़ का बिजनेस कर लिया दृश्यम 2 ने। इस फिल्म में अजय देवगन, तब्बू, अक्षय खन्ना, श्रेया सरन लीड रोल में नजर आएंगे। ये फिल्म साल 2015 में आई दृश्यम की स्टोरी को आगे ले जाती है। इस साल तब्बू की फिल्में खूब धमाल मचा रही हैं। इस साल तब्बू की पहली फिल्म भूल भुलैया 2 आई। इस फिल्म ने खूब कमाई की, जिसमें तब्बू डबल रोल में नजर आई, और इस फिल्म से भी तब्बू को बहुत वाहवाही मिली। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी खूब चली। वहीं इस साल के आखिर में तब्बू ने दृश्यम 2 में अपनी एक्टिंग से लोगों के दिल में अपनी जगह बना ली है। इस साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है दृश्यम। आपका इस फिल्म पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं N27 News, पकड़ हर खबर पर।